हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है बच्चों। देखो ऐसा है, अब ये आप लोग मेरे ख्याल से बोर्ड के पेपर से बिल्कुल फ्री हो गए होंगे, टोटली फ्री। अब जो पेपर्स आने वाले हैं कुछ मत करो, जो कर रखे हो ना उसी को रिवाइज करो बढ़िया से, जिस लेवल पर कर रखे हो। बेस बिल्कुल मत छोड़ो, एनसीईआरटी के टॉपिक्स ट्रिक्स वो बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है, वो आपको करना ही करना अच्छी तरह से। अब देखो इसमें, और दूसरी चीज़, हाँ अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, उसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अब आने वाले टाइम में फिर वही वीडियोस डेली आना, एन एवरेज एक वीडियो आपको मिलेंगी, थोड़ी कंपटीशन से रिलेटेड, जो भी कंपटीशन होगा ठीक है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब जैसे मान लो आज के टॉपिक में मैं आपको ये 50 क्वेश्चन के करीब हैं, लगभग अराउंड कितने हैं ये 50 क्वेश्चन हैं केमिकल काइनेटिक्स की, मैं ऐसा बनाया हूँ कि ऑलमोस्ट उसके सारे टॉपिक सारे फॉर्मूले कवर हो गए हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सिर्फ PYQ नहीं है, नॉट कि मतलब PYQ हुए केवल, ये इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। इसका ये PDF मैं आपको इसमें डाल भी दूंगा, इसको आप लोग देखना बार बार। हाँ, डाउट उठेगा उसका डिस्कस कर सकते हो। तो लेट अस स्टार्ट, हम करते क्या, देखिए पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर ये है, फिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इनकरेक्ट। देखो भाई ऐसा कि ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में डिफरेंस आपको पता है, ऑर्डर क्या है पेडिकल कंसेप्ट, मॉलिक्युलरिटी क्या थोड़ी कंसेप्ट है। हमें अगर किसी रिएक्शन का रेट पता है देन वी कैन कैलकुलेट ऑर्डर वनली, उसका पावर को ऐड कर देते हैं, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ रेट लॉ। तो उसमें देखो ही पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो पहला ऑप्शन क्या भी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑलवेज होल नंबर। देखो बेटे ऐसा कि ये ऑप्शन आपका क्या है इनकरेक्ट है, रीजन क्या है उसका, रीजन क्या है, ऑर्डर हमेशा क्या होता है होल नंबर नहीं होता है, इट मे बी पॉजिटिव निगेटिव फ्रैक्शन और इवन जीरो भी हो सकता है ठीक है। तो वो सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा गया है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से करिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं इनर बोर्ड पे सॉल्व कर दे रहा हूँ ध्यान से बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो यहाँ पूछा गया है स्टेप, देखिए ये हमें दिया गया है स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री। स्टेप वन में हमें क्या दिया गया, देखो यहाँ पर टू ए गिव्स, देखो एक्स ये हमारा दिया गया क्या, ये फास्ट रिएक्शन है ये। फिर देखो दूसरा क्या दिया गया स्टेप टू में, दिया गया है एक्स प्लस बी, ये जरा क्या प्रोडक्ट एक्स प्लस बी, इधर आपका वाई, एक्स प्लस बी गिव्स वाई, ये क्या है स्लो रिएक्शन है। और फिर वाई प्लस बी गिव्स के यहाँ पर प्रोडक्ट, देखो प्रोडक्ट बन रहा है क्या एक्स, हमें क्या बताना है इसका रेट लॉ क्या होगा बेटे। वेरी देखो इस मतलब इस साल आने का इसके क्वेश्चन की ज़्यादा चांस है। पहली बात देखो, जो फास्ट रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में है वो ठीक है, और हमारा स्लो रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन क्या होता है रेट डिटरमाइनिंग होता है, इसका रेट क्या होगा भाई आर इक्वल टू के, देखो ध्यान दे आर इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ एक्स, और क्या होगा ये होगा आपके यहाँ पर ये बी, ध्यान दो ये हमारा इसका रेट ये होगा। अब हमारा मेन पर्पज क्या, ध्यान दो भाई स्लो रिएक्शन तुम्हारा हो गया ये, दिस इज स्लो रिएक्शन, इसके अंदर रिएक्टेंट ये दोनों है एक्स और वाई है, हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है। अब वो कैसे करोगे, देखो भाई फास्ट रिएक्शन के अंदर आर एफ क्या होगा, फास्ट में आर एफ क्या होगा आर इक्वल टू के, और क्या लिखोगे यहाँ पर एक्स पावर टू, और आर बी क्या होगा इसके अंदर के, और फिर क्या होगा ये एक्स होगा। लेकिन फास्ट रिएक्शन हमारे कैलकुलेटर में दे रखे हैं तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर आर एफ इक्वल टू आर बी, क्या हो जाएगा फिर उस केस में ये ए स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा ये ए स्क्वायर। देखो ये अब यही वैल्यू हमें यहाँ पुट कर देनी है, क्या हो जाएगा ये के इंटू ए स्क्वायर, और क्या हो जाएगा ये बी, देखो ये इसका होगा सिंपल ये बेटे। फिर बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, देखो जो फास्ट दिया गया, देखो जो दिया गया स्लो, ये हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स है, हमने इससे रेट डिटरमाइन कर लिया, दिस इज रेट सपोज दैट। अब इसका जो हमें एक्स वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम एक्स यहाँ से देखो हमारे इसमें इसकी क्या, हमें वाई तो है नहीं तो हम इसको छोड़ देंगे, इसको यूज नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ से एक्सिस में है, एक्सिस में इक्विलिब्रियम में है, तो वहाँ से आर एफ निकाल लेंगे आर भी निकाल लेंगे, आर एफ आर भी इक्विलिब्रियम क्या होता है इक्वल होता है, तो यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा, हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी। इसका मतलब क्या, देखो अब आप ध्यान दोगे यहाँ पर, इसका मतलब जो है आप आओगे तो इट फॉलोज कौन सा, देखो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा ये ऑप्शन, कौन सा जाएगा इसके अंदर ऑप्शन फोर्थ आ जाएगा ये, देखो आपको दिख नहीं रहा मैं इसलिए देखो ये ठीक है, दोनों क्वेश्चन हो गए। आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। इसके बाद अब यहाँ पूछा गया है रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ रिएक्शन, देखो ऐसा है ये ध्यान दो, आपको ना फॉर्मूला डायरेक्टली याद कर लेना है। इसमें क्या होता है टी हाफ जो होता है, देखो टी हाफ फॉर एन थर्ड क्या होता है, टी हाफ फॉर एन थर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई ए नॉट पावर एन माइनस वन। अब ध्यान दो बेटे वेरी इंपॉर्टेंट,
ये एन मान देखो टी हाफ पार एन एथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन है ये, तो हम यहाँ से क्या निकाले, हमसे क्या पूछा एन माइनस वन के लिए पूछा गया है, तो जहाँ एन हम क्या पुट कर देंगे वहाँ पर एन माइनस वन, तो क्या हो जाएगा ये ए पावर एन माइनस टू हो जाएगा, ऊपर जाके टू माइनस एन हो जाएगा, ऑर्डर कितना हो गया आपका कौन सा हो जाएगा ये इसके अंदर, देखो यहाँ देखो जी जाएगा सेकेंड आ जाएगा इसके अंदर, कौन सा आ जाएगा सेकेंड। तो ये फार्मूला आपको याद करना है कि टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट टी हाफ ऑफ एन एथ ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई ए नॉट पावर एन माइनस वन, और यहाँ पर एन की वैल्यू क्या पुट कर दोगे एन माइनस वन, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी टू पावर एन माइनस वन। देखो नेक्स्ट इसके बाद देखिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 0.05, आफ्टर 45 मिनट इट इज डिक्रीज टू 0.15। कैलकुलेट भैया ऐसा देखो, इसको तो सिंपल आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट, यहाँ पर आ जाइए फिर वही हम इनर बोर्ड यूज़ करते हैं थोड़ा सा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमें, आ जाओ इधर देखियो ये देखिए इधर ये ठीक है, दूसरा बोर्ड यूज़ करते हैं, देखो देखो नेक्स्ट इसके बाद इसमें आ जाइए आप, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 0.05 आफ्टर 45 मिनट, हमें क्या निकालना हाफ लाइफ, हाफ लाइफ क्या होता है अभी, हाफ लाइफ होता है 0.693 बाई के, ये होता है, अब यहाँ से पहले हम के निकाल लेंगे कि कितना हो जाएगा 2.303 बाई कितने टाइम के बाद पूछा जा रहा है यहाँ पर 45 मिनट इक्वल इनटू लॉग इनिशियल कितना हमारा 0.05, फाइनल कितना है 0.15। देखो ऐसा है, अब ये यहाँ से अपना थोड़ा सा ध्यान से कर सकते हो, कभी भी अगर आपको की वैल्यू उधर पुट करें सिंप्लीफाई मत करिए, क्या हो जाएगा 2.303 बाई 45, लॉग कितना लॉग 5 बाई 1.5 अराउंड 3, लॉग 3 के लॉग 3 कितना होता है 0.5, लॉग 3 होता है 0.5, उसे थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिए 0.55 ले लो, चलो हमने कितना 0.5 ले लिया, अब यही वैल्यू आप उधर पुट कर दो कितना हो जाएगा ये, तो टी हाफ क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा आपका देखो 2.303 इंटू 0.3 बाई के का मतलब क्या बाई 1 इंटू 45 बाई 2.303 इंटू 0.5 मान लो, देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा इस केस में, यहाँ कितना बचेगा 3 इंटू 45 अराउंड बाई 5 आप मान के चलिए, तो इसका कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पर देखोगे ठीक है वही वैल्यू आपका देखोगे 37.42 के करीब आ जाएगी, वैल्यू सिंप्लीफाई करोगे इसको तो ठीक है, तो ये जो वैल्यू है आपकी यहाँ कितना 45 है ना 45 मिनट है हाँ, तो 2.303 देखो यहाँ से 2.303 इंटू 0.3 हम 0.3 लेके चलते हैं लॉग 2 लेके चलते हैं बाई के कितना आ जाएगा हमारा 2.303 बाई देखो अब यहाँ पे ये सिंप्लीफाई के लिए आप कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 5 बाई 0.15, तो लॉग 5 कितना होता है लॉग 5 होता है आपका 0.7 और लॉग 2 कितना होता है 0.3 होता है, तो ये वैल्यू थोड़ी सी कम आ जाएगी मतलब 0.3 थोड़ी सी कम ले लीजिए हम 0.25 ले लेंगे मान लो ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये अब आप ही मान के चलो 0.55 आ जाएगा 0.55 करीब वैल्यू आ जाएगी, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 87.4 के करीब आ जाएगी वैल्यू ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा इसका ये आ जाएगा सिंपल आंसर ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद अब है आपका देखो ये क्वेश्चन क्या भाई, फॉर रिएक्शन N2O5 देखो यहाँ पे N2O5 गिव्स टू NO प्लस हाफ O2 द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, देखो यहाँ पर मैं इसी को इस पर सॉल्व कर दे रहा हूँ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 हमें कितना दिया गया है 6 पॉइंट, देखो हमें क्या निकालना रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 रेट ऑफ देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 जो होगा ये देखो माइनस डी N2O5 बाई डी टी बच्चों देखो ठीक है कितना हमें और उसमें क्या रिलेशन है इट इज़ माइनस 1/2 रेट ऑफ हमें क्या निकालना फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड O2 देखो यहाँ पर क्या पहले आप O2 का निकाल लो देखो O2 का कितना है O2 का जाए 2 हो जाएगा 2 टाइम हो जाएगा सिंपल O2 का O2 का जाए 2 इंटू देखो यहाँ से आप गैस कर सकते हो 2 इंटू DO2 बाई DT तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 कितना दे रखे हैं हमें 6.25 यूनिट जो है 6.25 फास्ट में कर सकते हो 10^-3 इक्वल टू 2 इंटू DO2 बाई DT तो DO2 बाई DT जब निकालोगे तो उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा 3 पॉइंट के करीब आनी चाहिए ऑप्शन देखो यहाँ पर 3 या 4 आना चाहिए
अब देखो इसकी बात, यानी कि अब यहाँ पर जो लेके चलोगे फिर रेट ऑफ NO2 का जो है रेट ऑफ, देखो इसका रेट ला क्या हो जाएगा भाई, माइनस डी N2O5 बाई डी टी इक्वल टू माइनस 1/2 डी, क्या हो जाएगा ये DNO/dt। तो हमें ये निकालना था, इसका डबल हो जाएगा, डबल का मतलब क्या हो जाएगा 1.25 हो जाएगा ही। तब यहाँ से आप देख सकते हो इसका जो रेट ला निकालोगे, एक इनर बोर्ड पे आ जाइए आप, यहाँ पे देखो पहले के बार समझ लीजिए ध्यान से, इनर बोर्ड पे आ जाओ, इस रिएक्शन का जो रेट ला होगा ये क्या होगा, माइनस डी N2O5/dt DN2O5/dt इक्वल टू ये हो जाएगा बेटे आपका 1/2 DNO2/dt इक्वल टू कितना दिया गया हमें, ये हो जाएगा 2 × DO2/dt। और हमें देखो ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू कितने दिया हुआ है, ये वैल्यू में गिवन है 6.25 × 10⁻³ दिया गया है। तो हमें ये निकालना है, तो ये तो इसका डबल हो जाएगा DNO/dt DNO2/dt इसका डबल हो जाएगा और DO2/dt का इसका हाफ हो जाएगा, मीन्स पहले डबल हाफ, ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका, ऑप्शन विल बी थर्ड। ठीक है, देखो नेक्स्ट ये क्वेश्चन फिर बार बार देखो, ये सब कुछ क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, आप इन क्वेश्चन को बार बार देखो, यही आना पेपर में बेटे, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, जितने टॉपिक्स यहाँ कराए जा रहे हैं, जितने क्वेश्चन हैं ऑन एन एवरेज हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर आप देखिए कौन सा 6 है, देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका क्या ऑर्डर क्या है, ठीक है, इसका रेट लॉ क्या है। तो देखो मान लो फॉर्मूले क्या है, फॉर एग्जाम्पल इसका रेट लॉ क्या है, रेट लॉ इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल के ए पावर कितना हो गया पी एंड बी पावर क्या हो गया क्यू। हम एक इसका एक हाइपोथेटिकल रेट लॉ लेकर के चलेंगे, रेट लॉ इसका क्या होगा ध्यान दो, आर इक्वल टू के और फिर ए पावर पी एंड बी पावर क्यू आ जाएगा, ये क्लियर है। देखो अब ध्यान से इसमें जो है अब पूछा गया है, देखिए हम अगर इसमें सेकेंड और थर्ड को अगर मान लो हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, तो अगर हम सेकेंड थर्ड मान लो हमने ए को कांस्टेंट रखा तो बी में क्या हो रहा है, बी डबल हो रहा है, बी डबल होने पर ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 4 times हो जा रहा है, कितना हो रहा है, ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी रेट बिकम 4 times। इसका मतलब क्या, ऑर्डर बी का पावर कितना हो जाएगा, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर आर इक्वल टू के ए और बी की पावर कितनी हो गई 2 हो गई, ठीक है, बी की पावर 2 के 2 ऑप्शंस हैं। अब फिर देखो इसके बाद हम मान लो यहाँ पर बी को फिक्स कर देते हैं, ए को 4 times करने पर ये भी कितना जाएगा 4 times हो जाएगा, मीन्स इसका कितना पावर होगा 1 होगा, ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन विल बी फर्स्ट, ऑप्शन विल बी। तो सिंपल आप देखोगे इसके अंदर डिफरेंट इक्वेशन दिए गए हैं, देखो इस टाइप से, इसमें हम अगर देखो इस टाइप से यहाँ पर आ जाइए, हाँ हम अगर मान लो यहाँ पर देखो बी का ए का कंसंट्रेशन मान लो देखो ए है ये फॉर एग्जांपल ये ए है, हमने इसको क्या क्या फिक्स किया, तो देख रहे हैं कि बी में क्या हो रहा है, बी डबल हो रहा है, और जैसे बी डबल हो रहा है तो बी डबल होने पर क्या हो रहा है, ये हमारा 4 times हो जा रहा है, मीन्स बी पर पावर 2। अब फिर देखो उसी टाइप से अगर मान लो हम यहाँ पर बी को फिक्स कर दें, देखो ये बी है, बी को हमने फिक्स कर दिया, तो ए क्या हो रहा है, ए 4 times हो रहा है, मीन्स ये कितना हो जा रहा है, देखो 0.1 से लेकर के कितना जा रहा है 0.4, तो हमारा क्या है 4 times हो रहा है, और ये भी 4 times हो जा रहा है 6, और ये कितना होगा 2.24 आ गया सिंपली, ये भी 4 times मीन्स, और इसका कितना हो जाएगा रेट हो जाएगा आर इक्वल टू के ए पावर 1 एंड बी पावर 2, दिस इज रेट, ऑप्शन कौन सा होगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन विल बी फर्स्ट। तो इस टाइप से आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में एक को फिक्स करो और दूसरे को देखो क्या वेरी हो रहा है, उस हिसाब से रेट में कैसे हो रहा है वेरिएशन, आप उसको उस हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, देखो नेक्स्ट बार आ जाइए, अब ये क्वेश्चन जो है हमारा, रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन 2N2O5 इज दिस, इफ द रेट, देखो ऐसा बेटे यहाँ पर सिंपल फर्स्ट ऑर्डर हम क्या लिखेंगे, आर इक्वल टू के और ये ए पावर मान लो ए पावर ए का मतलब क्या N2O5 ले लिया गया, रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज दिस, इफ रेट इज, देखो यहाँ पर रेट की यूनिट क्या दे रखी है, हमें देखो ऑर्डर नहीं पता है, रेट की यूनिट क्या है, रेट है आपका मोल पर लीटर और ये पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें तो क्या निकालना है, व्हाट इज कंसंट्रेशन, ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको लेके चलिए, रेट कितना दे रखे हमें, रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन इज, ये दिया हुआ है आपको कितना, रेट कांस्टेंट इज 2.4 × 10⁻¹⁵ और कितना दे रखा है कंसंट्रेशन,
हमें कसर निकालना है और रेट कितना दिया गया है 3 × 10⁻⁵। तो भाई -5 से -5 कैंसिल हो गया और 3/ कितना आ जाएगा, ये 3/ मीन्स एक्स कितना आ जाएगा हमारा, एक्स आ जाएगा 3/2.4, एक्स बिकम 3/x हो जाएगा बच्चे, एक्स हो जाएगा 3/2.4, कितना आ गया आंसर 0.8। तो देखो ये रेट है, ठीक है, इसमें यूनिट यूनिट थोड़ा सा गलत था, यूनिट हमें कितना दे रखे हैं, रेट कांस्टेंट दे रखे हैं, पर सेकंड दे रखे हैं। अब देखो कैसे हमने कैसे, इधर आइए इनर बोर्ड पे आ जाओ भाई, इसमें क्या दे रखे हैं ध्यान दो, हमें दे रखे हैं किसका, रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है के कितना है 3 × 10⁻⁵ पर सेकंड, पर सेकंड मीन्स किसकी हो गई, ये फर्स्ट ऑर्डर की हो गई। तो हम क्या लिखेंगे इसका, आर इक्वल टू के और ये N₂O₅/1, हमें यहाँ पर आर दिया गया है, आर कितना दिया गया है 2.4 × 10⁵ और के कितना है, के आपका 3 × 10⁻⁵। और हमें एक्स निकालना है, देखो ये कैंसिल हो गया यहाँ से एक्स कितना हो जाएगा 2.4/3, 3/24 0.8 ये वैल्यू आ जाएगी सिंपल। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, ऑप्शन विल बी फोर्थ, हाँ ऑप्शन विल बी यहाँ पे फोर्थ। देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके हो जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आइए, रेट ऑफ रिएक्शन N₂O₅ इन CCl4 सॉल्यूशन इज गिवन फर्स्ट ऑर्डर इन दिस रिस्पेक्ट टू रेट कॉन्स्टेंट दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन में N₂। ठीक है, तो कोई दिक्कत है नहीं, आप ले लो यहाँ पर R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा हमारा कितना K, और यहाँ क्या दे रखे हैं N₂O₅ है। अब इसमें रेट कांस्टेंट हमें दिया गया है, N₂O₅ की वैल्यू भी हमें गिवन है कितना 1.25, और रेट कांस्टेंट कितना है, रेट कांस्टेंट इज 6.2 × 10⁻⁴, ये हमारा किया गया और 1.25 आ गया ये। तो भाई देखो इसमें इस केस में अगर आप करोगे मल्टीप्लाई तो 1.26 × 6 1272 राउंड सेकंड के करीब आनी चाहिए। एक ही ऑप्शन दे रखे हैं थर्ड, ऑप्शन थर्ड लेकर के चलिए भाई। ऐसा है कि ये रिएक्शन जो है, हमें रिएक्शन क्या आपका ये फर्स्ट ऑर्डर का, तो हमने इसका क्या लिखा, इसका रेट लॉ लिख लिया, हमें केक दिया हुआ है और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कंसंट्रेशन, हमें क्या निकालना, रेट निकालना, आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दोगे आर इक्वल टू के ए पावर वन। ठीक है, इसको बार बार देखिए। नेक्स्ट देखो उसके बाद, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मालिक्यूल फर्स्ट ऑर्डर, तो मालिक्यूल देखो ये कह रहे भैया, देखो T₂₀ और T₂₀% आप यहाँ दिया हुआ है, ऑन इनर बोर्ड पे आइए आप लोग, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें T₂₀ दिया गया है, T₂₀ कितना दिया गया भाई, T₂₀ गिवन है कितना 120 मिनट। ठीक है, हमें क्या निकालना है 90% देखो के निकालोगे कि कितना आ जाएगा 2.303/how much time इट विल टेक टू डिकम्पोज 90%। तो देखो के पहले आप यहाँ से निकाल लो, आप पहले के निकालो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वहाँ पे जो हमें दिया हुआ है रेट कांस्टेंट, वहाँ से आप के निकालो, पहले के निकालिए, देखो इधर ये के कितना हो जाएगा भाई 0.693/120, ये के की वैल्यू हो जाएगी। हमें पूछा गया कितने टाइम में ये क्या हो जाएगा 90%, 90% के लिए क्या होता है 2.303/k log initial by final, 90% के लिए इनिशियल कितना 100, फाइनल कितना 10, log 100/10 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, मैं समय क्या निकालना है 2.303/k, k का मतलब कितना हो गया यहाँ से 120, 0.693 कैन बी रिटन एज 2.303 × 0.3, देखो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, अब कितना आ जाएगा ये आ जाएगा अराउंड 1236, देखो अराउंड 400 के करीब आएगी। एक ही ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर, वो कौन सा है आपका थर्ड, ऑप्शन कौन सा थर्ड, बेटे ध्यान दो बिल्कुल सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना है भाई, हमें क्या 90% T₂₀ दिया गया है, T₂₀ कितना है, T₂₀ दे रखे हैं 120, वहाँ से हमने के निकाला और T₂₀, देखो आप याद भी कर सकते हो इस स्टेज पर कि T₂₀ क्या होता है 2.303 × k, बात करता हूँ वही के किलो उसमें पुट कर दीजिए। देखो नेक्स्ट इसके बाद, इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रिएक्शन बिटवीन, अब ये तो बड़े सिंपल क्वेश्चन है, तो जो कहते हैं ओ लेवल का क्वेश्चन है, डायरेक्ट टिक करिए, फॉर्मूला आपको पूछा गया इसके अंदर, रिलेशनशिप बिटवीन T₂₀ एंड के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट आ जाइए इसके बाद, अब आ जाओ भाई, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60, हाउ मच इट विल टेक टू रिड्यूस 1/10। अब ये अच्छा क्वेश्चन, देखो सारे एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन से आई बोर्ड पर, इनर बोर्ड देखो, यहाँ पे रेट कांस्टेंट में कितना दिया गया है, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60, हाउ लॉन्ग इट टेक, टी कितना, के टी निकालना है कितना 2.303 रेट कांस्टेंट, कितना दे रखे हैं सॉरी 60 दे रखे हैं ये 60, हाउ लॉन्ग इट टेक टू 1 बाई रिड्यूस टू 1/10, 1/10 मीन्स क्या
एक्स वाई टेन कितना हो जाएगा हमारा, लॉग टेन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100। इसको सॉल्व करोगे वैल्यू कितनी आएगी, 3.8 × 10⁻²। इसका आंसर आ जाएगा सिंपल डायरेक्ट 3.8 × 10⁻², ऑप्शन आ जाएगा सिंपल। इसको सॉल्व करिए, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है भाई, सिर्फ और सिर्फ किस पर, ऑर्डर पर और कुछ नहीं। जीरो के लिए देखो nth ऑर्डर के लिए कितना होता है, ये भी आपको बता दे रहा हूँ, मोल पावर 1 - n लीटर पावर n माइनस 1, क्या होता है ये, पर सेकंड, सिंपल ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, अब यहाँ पर आ जाओ भाई, रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसमें चार ऑप्शन दिए गए, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऐसा कुछ नहीं है, इंक्रीज इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये भी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर मान लो ठीक है, मे इंक्रीज मे डिक्रीज, आप ऑप्शन लेके चलोगे, इट मे इंक्रीज या डिक्रीज डिपेंडिंग की रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, उस हिसाब से लेके चलोगे ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या दिया गया, अभी अच्छा क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन सिंपल है ये, फॉर द रिएक्शन दिस, हमें दिया गया है क्या DNH3/dT रिएक्शन के लिए, ये हैबर प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें कितना दे रखे हैं 2 × 10⁻⁴, हमें क्या निकालना है, DH2/dT निकालना है। तो बेटे ऐसा कि DH2/dT क्या होता है, DH2/dT क्या हो जाएगा भाई, इसका डिस्टेंस निकालना कितना हो जाएगा, ये 3 × 2/3 आ जाएगा, 2/3 × कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, ये दे रखे हैं 2 × 10⁻³ कितना -4, तो ऑप्शन कौन सा देगा, ये फर्स्ट देखो, वैसा किसका रेट ला क्या होगा, आइए इन रिपोर्ट पर समझा दे रहे हैं आपको, इसका रेट ला क्या होगा भी, इसका रेट ला हो जाएगा -dN2/dt -1/3 DH2/dt =1/2 dNH3/dt। देखो हमें इसमें इसको कंपेयर करना है, तो ये वैल्यू देखो, हमें ये वैल्यू दिया हुआ है, हमें गिवन है रेट ऑफ DNH3 दिया गया, देखो ये दिया गया, ये वैल्यू गिवन है बेटी ठीक, हमें ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, और हमें निकालना है क्या, देखो हमें ये निकालना है, ये निकालना है, तो क्या करोगे 3/2 आ जाएगा आंसर, और बाकी वैल्यू पुट कर दोगे, तो कौन सी आ जाइए भाई, देखो यहाँ पर क्या है, अब आओ भाई, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस, भाई कुछ नहीं तो मैं सॉल्व नहीं करूँगा, डायरेक्ट इसका आंसर बता दे रहा हूँ आपको, फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, ये क्या होता है T=0.693/k, हमें क्या निकालना है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट का मतलब क्या होता है, रेट कॉन्स्टेंट होता है, हमें k निकालना है, तो 0.693 करोगे तो ऑप्शन कौन सा रहेगा इसके अंदर, ये थर्ड आ जाएगा ये, तो कौन इसके बाद, फॉर रिएक्शन ए एंड बी इट इज ऑब्जर्व दैट, अब देखो ये हमें देखो क्या पूछा गया है, ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए ओनली रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो डबल, भाई मान लो कह रहे हैं कि R=, मान लो हमने क्या लिखा है K a power p और फिर क्या लिखा B power q, कह रहे हैं कि अगर हम ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डबल्स, इसका मतलब क्या, ये डायरेक्ट K तो ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, A^1 आ गया, A^1 आ गया, और फिर क्या कह रहे हैं, अगर हम दोनों को डबल कर दें तो कितना हो जा रहा है ये, इट बिकम 8 times, तो भैया देखो अब ये तो 2's के साथ है ही, अब 4 में और लाना है, 4 लाने का मतलब क्या, इसको डबल कर दोगे, यानी क्या पावर कितना देगा ये, ये B^2 कितना डिपेंड करेगा, 2 डिपेंड करेगा ठीक है, तब जाकर के हम डबल करेंगे, दोनों को डबल करते हैं तो 2 × 4 = 8, ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका, ऑप्शन विल बी 2 ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए आप, फॉर द रिएक्शन डायमेंशन ऑफ रेट कॉन्स्टेंट सेम, भाई कह रहे हैं कि रेट कॉन्स्टेंट, और देखो हम क्या ये क्या लिख चलते हैं, के की यूनिट क्या होती है, के की यूनिट होती है क्या, मोल पावर 1 - n लीटर पावर n माइनस 1, और ये पर सेकेंड, रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, तो ये किसके इक्वल होगा, कब होगा, जब दोनों इक्वल होंगे, वेन 1 - n इक्वल कितना 0, 1 - n इक्वल कितना होगा 1 - n इज 1, सॉरी 1 - n इज 1 होगा, उसका मतलब कि n कितना होगा हमारा 0, तो इस किस्म में क्या जाए, पूछा क्या गया है कि किस ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन की क्या होगी, सेम होगी। भैया ऐसा है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड, कंपेयर कर दो नेथ ऑर्डर से, और वैसे तो इतना याद होना चाहिए आपको अगर पेपर देने जा रहे हो तो कोनेस इसके बाद, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट 27 °C, भाई इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो, वैसे
ये मैं थोड़ा डिटेल में समझा दे रहा हूँ। देखिए, फॉर फर्स्ट आर्डर रिएक्शन एट 27 डिग्री सेल्सियस टाइम रिक्वायर फॉर 25% कम्प्लीशन टू 25% कम्प्लीशन ऑफ द रिएक्टेंट इज, देखो 75% कम्प्लीशन टू कितना होगा टाइम रिक्वायर फॉर, देखो T75 कितना होगा अभी, यहाँ पे क्या लिखोगे 2.303 by K log 100 by 25 कितना आ गया, ये कितना आ गया अभी बताइए, या जाएगा ओके log 4 का मतलब कितना होता है 0.6, तो 2.303 by K इंटू 0.6 आ गया ये। सेकेंड देखो फिर क्या पूछा गया, 25% का मतलब क्या हो गया ये T25%, ये क्या हो जाएगा 2.303 by K log 25% का मतलब कितना हो गया, 25% मीन्स 75, तो log 100 बाई क्या लिखोगे यहाँ पर 100 by 75। अब देखो अभी क्या हो जाएगा 2.303 by K log 100 by 75 का मतलब क्या हो गया 4/3, log 4 कितना होता है 0.6, log 3 कितना 0.5, तो 0.1 आ जाएगा ये। आप इसको आप डिवाइड कर सकते हो यहाँ से, देखो इस टाइप से T25 by T25 = जब डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, चलो कर देते हैं 2.303 by K इंटू 0.6 इंटू K डिवाइड बाई कितना जाएगा ये, इसमें 0.1 इंटू 2.303, ये देखो ये कैंसिल हो गई वैल्यू, ये अराउंड कितना जाएगा ये अराउंड 6 से करीब है, तो देखो हमने राउंड ऑफ लिया था, इसमें एक ही वैल्यू आ रही है 4.8, आप वही ऑप्शन ले लीजिए 4.8 आगे बढ़ो उसके बाद, ठीक है। मतलब दोनों का हमें रेशियो निकालना था T25% और T25% के लिए। देखो नेक्स्ट इसके बाद जो है, हाँ टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 10 मिनट स्टार्टिंग विद 10 मोलर रेट ऑफ टर्न, तो ठीक है उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, टी हाफ में दिया गया है, टी हाफ सब के निकाल लो, टी हाफ सब क्या निकाली इनर बोर्ड यूज़ करिए, टी हाफ से क्या निकालोगे के निकालोगे, तो के कितना हो जाएगा हमारा, के हो जाएगा 0.693 by T हाफ कितना है, टी हाफ हमारा 10 है। हमें क्या निकालना है, निकालना टाइम स्टार्टिंग विद 10 मोलर द रेट आफ्टर 20 मिनट इज, रेट आफ्टर 20 हमें रेट निकालना, आर इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर क्या है ना, आर इक्वल टू क्या के और क्या हो जाएगा ये ए, तो हम क्या के कितना आ गया हमारा, क्या 0.0693 आ गया इंटू ए कितना है 20 मोलर है, कितना है ये 20 मोलर है, तो उसको सॉल्व कर लीजिए सिंपल, कितना आ जाएगा 0.693 by कितना 20 मोलर है, तो ऑप्शन कौन सा जाएगा 0.,  ऑप्शन आप लेके चलोगे अराउंड वही थर्ड लेके चलिए, कितना लेके चलोगे यहाँ पर थर्ड, फिर देखो इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस, भाई ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, के कितना हो जाएगा 2.303 by कितने टाइम में, यहाँ पर पूछा गया है 2 × 10⁻⁴ लॉग इनिशियल कितना है, इनिशियल इज 800, फाइनल कितना है 50, कितना हो जाएगा 16/25 = 16, लॉग 16 कितना हो जाएगा 2/4 = 4 log 2, तो 4 log 2 का मतलब कितना हो गया 2.303 × 4 × 0.3 by 2 × 10⁴ आ जाएगा वैल्यू, ये इसको करोगे सॉल्व आंसर कितना आ जाएगा आपका, ऑप्शन आ गया आपका थर्ड, ठीक है। मीन्स पहले के देखो के क्या होगा 2.303 by T log इनिशियल बाई फाइनल, इनिशियल कितना दे रखे हैं 800, फाइनल कितना दिया हुआ 50, इसको सॉल्व करोगे 16 आ जाएगा, log 16 कितना आ जाएगा 4 × 0.3, अब यहाँ से वैल्यू देखोगे ये 2 × 4 आ जाएगा ये, और फिर चतुर में 12 राउंड, हाँ ठीक है वैल्यू आ जाएगी सिंपल, इसको सॉल्व कर लेना। देखो नेक्स्ट इसके बाद डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 प्रोसीड बाय फर्स्ट ऑर्डर विथ हाफ लाइफ में कितना दिया हुआ है, हाफ लाइफ दिया गया इसका, ध्यान दो हाफ लाइफ दिया गया है इसका कितना 30। देखो अगर आप सॉल्व कर रहे हो, अगर आपको किसी चैप्टर का स्पेशल क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे को बता देना, मैं वो भी सॉल्व आपको बता दूंगा, ठीक है। प्रोसीड हमें हाफ लाइफ दिया गया है, इफ इनिशियल कंसंट्रेशन इज दिस, व्हाट इज भाई कुछ नहीं, रेट कांस्टेंट निकालना, व्हाट इज रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, तो कितना 0.693 by कितना 30 कर लोगे, तो डायरेक्ट देखो कुछ डाटा यहाँ पर अननेसेसरी भी होता है, आप डायरेक्ट पूछा क्या गया रेट कांस्टेंट दिया क्या हाफ लाइफ, ठीक है। अब किसके लिए पूछा गया भाई कौन सा और रिएक्शन है, ये रखें फर्स्ट ऑर्डर की, तुम्हें पता है कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डजन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ डायरेक्टली, फॉर्मला यूज करिए, ऑप्शन कौन सा जाएगा इसके अंदर 2, ऑप्शन विल बी 2, ठीक है। ऑप्शन कौन सा जाएगा इसके अंदर, कौन सा क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन इज 21 का, हाँ सेकंड आ जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए,
हाँ भाई, ये क्वेश्चन बढ़िया है, इसको जरा सॉल्व करते हैं बढ़िया से। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या पूछा गया यहाँ पर। यहाँ पूछा गया है इन द प्रेजेंस ऑफ, देखो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी इज लोवर्ड बाई 2 केल्विन एट 20 डिग्री सेल्सियस, हेंस रेट कॉन्स्टेंट विल बी। भाई ऐसा है, रेट कॉन्स्टेंट ऑफ कैटलाइज्ड और रेट कॉन्स्टेंट ऑफ अनकैटलाइज रिएक्शन जो होता है ई पावर डेल्टा ई बाई आर टी होता है, ठीक है। तो ई पावर, देखो ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप याद करें, डेल्टा ई कितना है 2 किलो केल्विन, यानी कि 2 × 1000 लेके चलोगे, बाई आर कितना है हमें पता, आर इसमें कितना होता है भी 2 होता है कैलोरी के फॉर्म में, उस यूनिट में लेके चलोगे टी कितना है यहाँ पर 300 दे रखें। देखो ये बाई अभी क्या कैटलाइज बाई अनकैटलाइज रिएक्शन से, ये कैटलाइज बाई अनकैटलाइज रिएक्शन है, ठीक है। तो हम दोनों साइड देखो क्या एल एन लेके चलेंगे, क्या ले चलेंगे एल एन। तो हम मान लो ये वाले हमने क्या मान ली, एक्स मान ली, सपोज दैट एक्स है, क्योंकि बाहर भी लिख देंगे वहाँ पर। तो एल एन एक्स कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मीन्स 2.303, और ये क्या लॉग कैटलाइज बाई अनकैटलाइज, ये आ जाएगा ना, ये सिंपल इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 1000 बाई 300, देखो 10/3 आ गया। अब यहाँ से क्या आ जाएगा अभी, लॉग कैटलाइज बाई अनकैटलाइज कितना हो जाएगा 10/3 × अराउंड ले लिया 2.3, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1 पॉइंट कुछ आएगी वैल्यू। चलो अब इसको थोड़ा सॉल्व भी कर लेते हैं, ये 3/6 जो आएगा, 3/6 का मतलब क्या होगा, 1.4 मान लो। तो अब इसका एंटी लॉग लेके चलोगे, एंटी लॉग में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/2, और 0.4 किसका होता है एंटी लॉग, 0.4 होता है आपका अराउंड लॉग 3 और 2 के बीच की कोई वैल्यू आएगी, लॉग 2.3 होता है, लॉग 3.5 होता है। तो हम मान लो 0.28 ले लें, तो इसका कितना आंसर, देखो यहाँ आंसर दे रखें 28, तो 22 का कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बी। इसको ध्यान से देना, अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दो, थोड़ा सा कैलकुलेशन नो डाउट, लेकिन इसको करना पड़ेगा आपको। फेन वी इंक्रीज टेम्परेचर द रेट कॉन्स्टेंट बिकम, देखो ये आपको ऑप्शन कौन सा लेके चलोगे, इसमें 3 लेके चलिए। क्या पूछा गया है, फेन वी इंक्रीज टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बिकॉज टेम्परेचर बढ़ाने पर नंबर ऑफ कोलिजन या कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो उसका बेस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आंसर कौन सा है आपका, मोर नंबर ऑफ एनर्जेटिक कोलिजन, फिर देखो इसका ब्रोमिनेशन। अभी देखो ये क्वेश्चन बेटे अच्छा ये भी है, ध्यान दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हम ऐसा किए हैं, इस क्वेश्चन के आने के चांसेज हैं। यहाँ पर देखो, अगर सपोज दैट हम यहाँ ध्यान दो, हम मान लो ऐसे लेके चलेंगे, देखो इसमें गेस करेंगे आर इक्वल टू के, और मान लो एसीटोन क्या है, CH3CO, और दूसरा CH3CO CH3, एक क्या है Br2, और एक क्या है H+, हमें बताना है इसका रेट क्या होगा। अब देखो अगर सपोज दैट हम इसमें, देखो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट मान लो, फर्स्ट और सेकंड लेके चलते हैं, तो इसमें हमारा क्या अनअफेक्टेड, इसमें क्या आपका भी अनअफेक्टेड है। हम अगर मान लो इसको डबल करते हैं तो रेट में कोई चेंज नहीं, इसका मतलब क्या है कि वो Br2 पर डिपेंड नहीं कर रहा, बिल्कुल सिंपल वे में लेके चलोगे, ठीक है। अब फिर देखो इसके बाद फिर Br2 पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ऑप्शन एक ही, आगे बढ़ जाओ, क्या करना है इसके अंदर, बात खत्म, सिंपल हो गया। एक मिनट का क्वेश्चन है, आधा मिनट भी नहीं लगा इसके अंदर। रेट ऑफ रिएक्शन फिर देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर थोड़ा सा आप चेंज करना है इसको, ये 1/3 है, 1/3 तब जाकर आंसर 3 आएगा, ठीक है। अब भाई रेट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन है, हम क्या कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हम क्या लिखेंगे के और ए पावर, ये देख कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन क्या होता है भाई, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। अभी कह रहे हैं कि अगर हम वॉल्यूम को 1/3 कर दें, हम क्या करते हैं वॉल्यूम को क्या करते हैं 1/3 करते हैं, तो क्या हो जाएगा ये, इट बिकम 3 टाइम, बात खत्म, सिंपल, ऑप्शन कौन सा हो गया, 3 हो गया ये। फिर देखिए इसके बाद रेट लॉ फॉर रिएक्शन बिटवीन, अब देखो यहाँ पर ये दे रखे हैं, हमें रेट लॉ दिया गया है आर इक्वल टू के ए पावर क्या है ए पावर एन एंड बी पावर एम दिया गया है, ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड हाफ, डबलिंग करने पर ए कितना हो जाएगा 2 पावर n हो जाएगा, और हाफ करने पर कितना आएगा 2 पावर m हो जाएगा, ऑप्शन कितना आ जाएगा 2 पावर n माइनस m, 2 पावर n माइनस m, ऑप्शन कौन सा 4th। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि देखो सिंपल कुछ है नहीं इसमें। फिर देखिए भैया, तो आप पढ़ोगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, हमें क्या दे रखे हैं लॉग सी नॉट, मतलब वही हमारा ए नॉट माइनस लॉग ए, द स्ट्रेट लाइन ग्राफ इज ऑप्टेंड, वहाँ तो ठीक है, हम अगर प्लॉट करेंगे तो आपका ग्राफ कैसे आएगा, इस टाइप से आएगा। इसके अंदर यहाँ क्या प्लॉट करोगे, लॉग सी टी
वर्सेस टी ये आता सिंपल, ठीक है। उसका स्लोप भी आता आपका, स्लोप कितना आता है के बाई 2.33 आता सिंपल, ये वैल्यू आती है ये। फिर देखो फॉर द फर्स्ट ऑर्डर एक्शन टू ऑब्टेन पॉजिटिव स्लोप वी नीड टू प्लॉट, हमें कौन सा प्लॉट करना पड़ेगा, तो अगर पॉजिटिव स्लोप निकालना है तो उसके उसमें ऑप्शन लेके चलोगे कौन सा आपका ऑप्शन टू, ये आपको नोट्स में सब लिखवाएगा, उसको जाकर क्रिएट कर लेना एक बार, ठीक है। इट्स डोंट वेस्ट टाइम। हाँ देखो ये क्वेश्चन फिर मैं आपको बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है ये। फॉलो फर्स्ट आर जो स्लोवेस्ट रिएक्शन है हमारा के रेट डिटरमाइनिंग है, यानी कि आर क्या हो जाएगा भाई, आर होगा के ए और ये बी टू, लेकिन रिएक्शन में ए नहीं है तो हमें क्या करना होगा रेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, तो के क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा ए पावर टू बाई ए टू। ध्यान दो ये तो उसका हाइपोथेटिकल रेट ला हो गया ए, लेकिन रिएक्शन के अंदर ए तो है नहीं, तो हमें ए की वैल्यू निकालनी होती है रेट दूसरी इक्वेशन से। तो हमारा देखो ये क्या है, दिस इज इक्विलिब्रियम, हम यहाँ से निकालेंगे रेट ए की वैल्यू। अब यहाँ से ए कितना हो जाएगा, हम किसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, ए ए स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर हो जाएगा आपका, देखो ए स्क्वायर हो जाएगा के और ये ए टू, या ए क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा रूट के और ये ए टू पावर वन बाई टू, हम यहाँ पुट कर देंगे ए के की वैल्यू, तो आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा तो यहाँ पर आर बिकम के और ये क्या हो गया, चलो इसको के डैश मान लिया, और ये पावर कितना आ गया वन बाई टू, और क्या बी टू पावर कितना है वन है, बी टू पावर कितना है वन है, क्लियर है। तो उस केस में इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, वन प्लस वन बाई टू दैट इज थ्री बाई टू, ऑप्शन कौन सा होगा ये। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ बार बार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप से एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, इसमें ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैंने कराया था क्वेश्चन नंबर टू, और फिर उसी टाइप का क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 20, दोनों में डिस्टिंग्विश देख लोगे कौन सा किसमें करना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, ऐसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन रेट डिटरमाइन करने के लिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमारा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द रेट, भाई देखो ऐसा है कि इसमें तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं, स्टेटमेंट वन टू थ्री और चार ऑप्शन दे रखे हैं, कौन कौन सा इसके अंदर क्या है करेक्ट एंड करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ही है हाँ हाँ ठीक है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन को बेटे जरूर देखो, रीजन क्या है कि अगर मान लो पूछते हैं कि करेक्ट कौन सा है तो तीन इसके अंदर क्या होंगे इनकरेक्ट होंगे, तो आपको उसमें तीन कुछ और बन सकते हैं, या मान लो पूछते हैं कौन सा इनकरेक्ट है वो तो और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान लो चार ऑप्शन दे रखे हैं उसमें अगर इनकरेक्ट है तो तीन करेक्ट हैं, वहाँ से तीन क्वेश्चन बन जाएंगे। और तो पहला देखो क्या, सेकेंड ऑर्डर रेट कॉन्स्टेंट इज, देखो ये दे रखे हैं, पहली बात इसमें कुछ हिंट ढूंढो कि सेकेंड ऑर्डर रेट कॉन्स्टेंट के केज डबल, पहली बात हाइड्रोलिसिस जो होता है स्टर का होता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर एक्शन, तो सेकंड ऑर्डर है नहीं, ऑप्शन वन गलत है, ऑप्शन वन गलत होने का मतलब क्या, सिर्फ देखो एक ही ऑप्शन दे रखें आप आगे बढ़ जाइए, बात खत्म, आगे करने की जरूरत नहीं है, एक ही ऑप्शन दे रखें इसके अंदर तीनों में, अगर बाई चांस किसी दो में नहीं होता तो दूसरे पर देखते आगे बढ़िए सिंपल। अब फिर देखो इसके बाद अगर हम जीरो के लिए प्लॉट करते हैं क्या कंसेशन वर्सेस टाइम, तो स्लोप कैसे आता है, देखो स्टेप से आते हैं, स्लोप कितना होगा आपका, स्लोप भी माइनस के आता है, स्लोप कितना आता है माइनस के, ऑप्शन कौन सा आ गया ये थर्ड आ गया, ठीक है। फिर देखो उसके बाद अब आइए यहाँ पर रेट कांस्टेंट, हाँ भाई देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको इनर बोर्ड पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए रेट कांस्टेंट के वन के टू फॉर टू डिफरेंट रिएक्शन आर दिस एंड दिस, देखो यहाँ पे क्या लिखोगे के वन बाई के टू इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ई पावर टेन पावर कितना है सिक्स, टेन पावर सिक्स ई पावर माइनस 2000 बाई टी डिवाइड बाई 10 पावर 5 है शायद, 10 पावर 15 है और वो शायद 10 पावर 16 है, सॉरी 10 पावर 16 है, ई पावर कितना है माइनस 1000 बाई टी, माइनस 1000 बाई टी और दूसरा क्या माइनस 2000 बाई टी। देखो अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 10 इंटू ई पावर माइनस 2000 बाई टी प्लस 1000 बाई टी आ जाएगा ये, इसका मतलब क्या आएगा 10 इंटू ई पावर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर माइनस 1000 बाई टी आ जाएगा, ये हमारा के टू बाई क्या आ गया, ये आ गया आपका के वन बाई के टू आ गया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है द टेम्परेचर एट विच के वन इक्वल टू के टू, तो जब दोनों को इक्वल करोगे के वन इक्वल टू के टू का मतलब आपकी वैल्यू आ जाएगी ये, ठीक है। अब यहाँ से के वन इक्वल टू के टू जब दोनों को इक्वेट करोगे तो आप ऐसे थोड़ा इसको दोबारा दूसरे में से सॉल्व कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, हम इनर बोर्ड दूसरा ले लेते हैं, इसको हटा दो, के वन के टू को इक्वल करना, थोड़ा सा कैलकुलेशन सामने के लिए ये हो जाएगा, के वन कितना है, के वन है 10 पावर 16 ई पावर माइनस 2000 बाई टी, के टू कितना है 10 पावर 15 ई पावर माइनस
साइन बाई टी ये कैंसिल होगा, 10 इंटू या कर लो आप 10 इक्वल टू आ जाएगा, 10 इक्वल टू क्या कर लोगे, ई पावर थाइन बाई टी आ जाएगा। जब उसको ले आके डिवाइड करोगे तो हो जाएगा नहीं इस भाई ऐसा कि ये पूरी वैल्यू इधर ला के डिवाइड कर दोगे बेस से में आ जाएगी वैल्यू ये। अब हम क्या करें, दोनों साइड क्या लेंगे, एल एन लेंगे। तो देखो एल एन 10 इक्वल कितना आ जाएगा, 1000 बाई टी। एल एन 10 का मतलब कितना होता है, 2.303 होता है। एल एन 10 का मतलब होता है 2.303 भाई, 2.303 इंटू लॉग 10 हो जाएगा, लॉग 10 वन हो जाता है, कितना हो जाएगा ये 1000 बाई टी। यहाँ से टी कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा 1000 बाई 2.303। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको सॉल्व करोगे आप लोग, वेरी गुड क्वेश्चन की। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा इसके अंदर, ऑप्शन विल बी फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, अब आ जाओ भाई नेक्स्ट। रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हमें दे रखे पर मिनट, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर का है। टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ दिस रिएक्शन इज टू, व्हाट इज द रेट कांस्टेंट, व्हाट इज द फॉर दिस रिएक्शन एट 17 डिग्री। भाई देखो ऐसा है कि हमें यहाँ पर फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, लॉग के टू बाई के वन इक्वल टू ए बाई 2.303 आर इंटू 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। देखिए हमें रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारा इतना दे रखे हैं, द टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर दिस रिएक्शन इज टू, हमें कितना दे रखे हैं ये दे रखे हैं ये, व्हाट इज रेट कांस्टेंट एट 17 डिग्री सेल्सियस। हाँ ठीक है, उसमें वैल्यू पुट करके निकालोगे ऑप्शन टू आ जाएगा सिंपली। देखो नेक्स्ट बात आ जाइए, भाई T1 T2 दिया गया है, K1 और हमें क्या निकालना, K2 निकाल दो, थोड़ा कैलकुलेशन ठीक ठाक उसको आप लोग करोगे। ठीक है, आ गया जाए फिर इसके बाद, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर रिएक्शन रेट इज, भाई बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, सिंपलेस्ट क्वेश्चन, कौन डिस्कस करता है, आर्गेनिक इक्वेशन डिस्कस करती है। ठीक है, अब फिर देखो उसके बाद इन द रिएक्शन गिवन, देखो ये हमें दिया हुआ है के इक्वल टू ए ई पावर माइनस ए बाई आर टी, सॉरी इनके हम कहना, इस बीच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ क्या रखें, इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है, ए एडजस्टमेंट फैक्टर नहीं है, के क्या है, ये क्या एक्टिवेशन एनर्जी, सिंपल ये ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाए उसके बाद, अब आ जाइए टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज रिटन इन टर्म्स ऑफ फॉरेंस इक्वेशन दिस। तो ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड। हाँ तो ठीक है, ये प्लॉट करते हैं, हम यहाँ पर ऐसे प्लॉट करते हैं। देखो इस टाइप से एक ग्राफ आपका भी ऐसे आता है, इस टाइप से इतना स्लोप कितना होता है, स्लोप होता है माइनस ए बाई 2.303 आर टी। अगर हम क्या प्लॉट किए हैं, हम प्लॉट किए अगर मान लो लॉग के वर्सेस 1 बाई T प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ आता आपका सिंपल। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सेकंड आ गया। देखो नेक्स्ट, ए गैसेस हाइपोथेटिकल केमिकल इक्वेशन टू ए गिव्स इज कैरिड आउट इन क्लोज वेसल, द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज फाउंड टू इंक्रीज फ्रॉम दिस इन 10 सेकंड, द रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ बी इज द करस्पॉन्ड। हाँ देखो ऐसा ही इसमें यूज करिए आप, आ जाइए द गैसेस हाइपोथेटिकल इक्वेशन 2A। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। देखो इसके बाद 38 क्वेश्चन, हाफ लाइफ पीरियड कितना दे रखे हैं भाई, हाफ लाइफ कितना दिया गया है, 10 मिनट, हाफ लाइफ 10 मिनट, इन व्हाट पीरियड ऑफ टाइम वुड, ये तो बड़े कर सकते हो सिंपल, कोई दिक्कत हो, हमें टाइम निकालना है कितना, 2.303 बाई के कितना देगा हमारा 0.0693, उसमें वहाँ से निकालोगे लॉग रिड्यूस टू का मतलब क्या, लॉग 100 बाई 10, लॉग 10 हो जाएगा, लॉग 10 कितना होता है आपका 1 होता है, इसका मतलब क्या कि 2.303 बाई 1 इंटू 10 बाई 2.303 इंटू 0.3, तो देखो कैंसिल हो गया, कितना जाएगा आंसर आपका 20-30 आ जाएगा आंसर, सिंपल सिंपलीफाई करोगे तो, मतलब हाफ लाइफ से के निकालो और फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्म में पुट कर दीजिए डायरेक्ट, उसका कैलकुलेशन कर लो, ये तो करना है इसके अंदर। अब देखो नेक्स्ट इसके बाद यहाँ क्या भाई, ए प्लस बी गिव सी, यूनिट क्या होती है भाई, मोल पावर 1 माइनस n, लीटर पावर n माइनस और ये पर सेकेंड, दिस यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट फॉर एन एथ ऑर्डर रिएक्शन। तो उस केस में देखिए यहाँ पर क्या, फॉर होमोजेनस रिएक्शन ए प्लस बी हमें के दिया हुआ है, क्लियर है, तो वो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, हाँ ठीक है,
आप यहाँ से कैलकुलेशन करके देख लीजिए। देखो ऐसा है कि यहाँ पर हाइपोथेटिकल हम ऑर्डर इसका टू लेके चलेंगे, अगर टू लेके चलोगे तो मोल पर माइनस वन और लीटर पर सेकंड, अगर टू लेके चलोगे तो ठीक है, कोई किसी और बाकी इन्फॉर्मेशन देने रखें तो आप वही लेके चलिए, मोल पर माइनस वन लीटर और ये पर सेकंड, ऑप्शन कौन सा जाएगा, ए आ जाएगा सिंपल ये। देखो नेक्स्ट इसके बाद, अब आ जाइए इसके बाद, इन केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन टू रिएक्टेंट टेक पार्ट दर, अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे ही, केमिकल रिएक्शन टू रिएक्टेंट टेक पार्ट, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट, मान हमने क्या लिया आर इक्वल टू के, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल दूसरे के मान लो हो गया, दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये, ऑर्डर क्या होगा भाई, इसका पावर कितना है वन है, इसका पावर कितना वन है, ऑर्डर कितना जीरो हो गया, सिंपल कुछ करना थोड़ी, इसके अंदर जीरो ऑर्डर हो गया ये। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ केमिकल एक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन, एक्टिव मास हो या मोलर कंसंट्रेशन उसको लेके चलोगे, तो कोने से बाद आ गया आप यहाँ पर ये, फॉर ए गिव्स बी इतना दे रखे फाउंड टू बी दिस रिड्यूस कंसंट्रेशन ऑफ हाफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। भैया देखो ऐसा है, इसमें दो इन्फॉर्मेशन निकालोगी ठीक है, और दोनों में रेट कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या आएगी, चलो इसको देख लेते हैं। वैसे ए ए गिव्स ए, आप इनर बोर्ड यूज करो, फॉर रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट व्हेन कंसंट्रेशन ए कितना है 2.2, रेट कितना होगा उसके, इसमें इसके इसमें रेट कितना है अभी हमारा 2.4, व्हेन ऑन रिड्यूसिंग ए टू हाफ ये कितना हो गया, मान लो 1.1 हो गया, ये कितना हो गया, द रेट चेंजेस 0.6 आ गया ये। देखो इसको हाफ करने पर, इसको हाफ करने पर या ऐसे कर लो, इसको डबल करने पर, मालूम आते हैं क्या, इसको डबल करने पर ये कितना हो रहा है, अराउंड 4 times हो रहा है, कितना होगा सेकंड ऑर्डर की हो गई। अच्छा क्वेश्चन है ये सेकंड ऑर्डर, फिर देखो उसके बाद ये तो आप ग्राफ प्लॉट कराएगा उसको, आप देख लोगे सिंपल डायरेक्ट ही होता है इसमें ये। फिर ये अच्छा क्वेश्चन ये भी भाई, देखो यहाँ पर क्या है पूछा गया कि हाईली एंडोथर्मिक फॉरवर्ड, देखो ऐसा है ये तो भैया क्या है, हमारा एक्जो है ये, दिस इज एक्जोथर्मिक, ये भी क्या है ये एक्जो की, अब ये दोनों एंडोथर्मिक होगा, लेकिन क्या पूछा गया है विद हाई फॉरवर्ड हाई एक्टिवेशन एनर्जी, तो अगर निकालोगे एक्टिवेशन किस में ज़्यादा होगा, इसके अंदर ज़्यादा है, क्योंकि देखो यहाँ वैल्यू क्या है ये ज़्यादा है उसके कंपेयर में, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ये। देखो नेक्स्ट इसके बाद, वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर रिएक्शन दिस फाउंड टू बी दिस व्हेन टेंपरेचर रेज दिस टू दिस इट विल बी अबाउट, भाई देखो ऐसा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया हमारा, क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, लॉग के टू बाई के वन इक्वल टू वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर रिएक्शन, वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर रिएक्शन है 290 केल्विन इज फाउंड टू बी 3.2 × 10³ पर सेकेंड, फर्स्ट ऑर्डर की है, फिर टेम्परेचर रेज टू, आप देखो ना वैसे भी कर सकते हो, सुनो ध्यान से यहाँ क्या करना है, अगर हम देखो चलो इनर बोर्ड यूज़ करते हैं भाई थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा यहाँ से, देखिए अगर हम करते हैं यहाँ पर, पहले कितना रेट कांस्टेंट हमारा 3.2 × 10⁻³, यहाँ कितना टेम्परेचर 290, कितना चेंज कर दिया टेम्परेचर 310, कितने टाइम बढ़ाया गया टेम्परेचर यहाँ पर ही 920, तो 20 टाइम बढ़ाने पर जो रेट होगा, रेट नियरली देखो 10 पर नियरली डबल हो रहा है, तो 20 पर कितना 4 times हो जाएगा, यानी इसको क्या करो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, यह आ जाएगा इसका क्या जाएगा आंसर आपका 4 × 8, हाँ ये × 10⁻³, ऑप्शन कौन सा दे रखे हैं ये, ऑप्शन 4 लेके चलिए। यहाँ को फॉर्मूला अप्लाई ही नहीं करना है, नो नीड टू अप्लाई फॉर्मूला, डायरेक्ट क्या करोगे यहाँ पर आप गेस करो, रेट ऑफ रिएक्शन नियरली डबल्स ऑन इंक्रीजिंग ऑन चेंजिंग टेम्परेचर बाय 10°C, हमने क्या किया अभी 20° बढ़ाया, 290 से 310 कर दिया, 4 times हो जाएगा, 4 times कौन सा ऑप्शन इसका याद आ रहा है ये। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, अब यहाँ पर एक्टिव एनर्जी ऑफ मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इज अप्रॉक्सीमेटली 50 kJ, ठीक है, फॉर सच द टेम्परेचर कोफिशियंट फॉर सच रिएक्शन इज, देखो यहाँ पर नियरली जो होगा वो 2 से ज़्यादा होना चाहिए, अब ऐसा कह रहे हैं कि एक्टिव एनर्जी कितनी यहाँ पर 50 है, ठीक है, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया ये। अब देखो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये देखो यहाँ से, देखो यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, दिस इज एक्टिव एनर्जी EAR होता है, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, ये होता है आपका क्या, और ये जो वैल्यू होती है देखो दूसरे से कर दे वहाँ पर, यहाँ पर मैं कहता हूँ ग्रीन से, जो हमें पूछा गया देखो ये वैल्यू है, ये दिस टेबल हमें दे तो रखे हैं, कितना दे रखे हैं, ये सी है, ऑप्शन कौन सा हो गया ये 3rd हो गया ये, ठीक है। देखो नेक्स्ट फेज के बाद देखिए,
अब पूछा गया अच्छा क्वेश्चन ये भी है, यहाँ पर आर एन सी क्वेश्चन, आर एन सी क्वेश्चन क्या होता है, के इक्वल टू ए पर वन सी वाई टी होता है, ये भी होता है, ये भी जब दो होगा तीसरा भी होना चाहिए, यानी किसी का मॉडिफाइड फॉर्म आपका ये है, ये हो जाएगा ये, ठीक है। फिर देखो उसके बाद रेट कॉन्स्टेंट फॉर रिएक्शन एट टेम्परेचर 200 केल्विन इज 10 टाइम्स लेस देन रेट कॉन्स्टेंट दिस, व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी, को थोड़ा सा इसके अंदर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वो देखते हैं कैलकुलेट करके आइए। रेट कॉन्स्टेंट फॉर रिएक्शन एट टेम्परेचर 300 केल्विन इज 10 टाइम्स लेस देन रेट कॉन्स्टेंट, देखो मान लो पहला के रेट कॉन्स्टेंट के वन है, के वन कितना भाई, मान लो जो भी के वन है, चलो आप ऐसे देख लो, यहाँ देख लो लॉग के टू बाई के वन इक्वल टू ए बाई 2.303 आर, और फिर यहाँ पर क्या लिखोगे 1/T1 - 1/T2, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी एट एक्शन निकालना है ये। अब देखो क्या पूछा गया, रेट कांस्टेंट, देखो T1 कितना है, T1 है आपका 200, इस पर मान लो K1 कितना है, फॉर एग्जाम्पल K1 K है, हमने मान लिया क्या T2 कितना है, T2 आपका कितना है इस केस में 400, इस पर मान लो K2 कितना है 10 टाइम लेस का मतलब क्या हो जाएगा, ये एक K/10 हो जाएगा, सिंपल ये लेके चलिए, ठीक है K/10 हो जाएगा, तो K/10 लेके चलोगे तो लॉग हमारा क्या 10 1 हो जाएगा, ये निकालना है, ये हमारा होता है 19 पॉइंट, हाँ यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, वो सॉल्व करके करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा सिंपल, ये देखो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, ये ऑप्शन सेकंड आ जाएगा, ठीक है इसको सॉल्व करना आप लोग, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए भाई, रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, अब देखो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, टाइम टेकन फॉर 0.8 मोल टू 0.6 मोल, देखो 0.8 मोल किस में चेंज हो गया आपका, 0.6 मोल इज वन आवर, इसमें कितना वन आवर दे रखे हैं, व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर कन्वर्जन ऑफ 0.9 मोल टू 0.,  देखो ऐसा है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर का है, ठीक है, तो उस केस में आप निकालो पहले इसका क्या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टेड, तो 0.6/0.8 ये कितना आ जाएगा, ये 3/4 ये कितना आ गया 2/3 4/2, हाँ ठीक है 2/3 6, और दूसरा देखो दूसरे का निकाल लीजिए 0.675 कितना 0.9, इसका मतलब क्या 6/0.9 6.75/0.9, ठीक है ये भी अराउंड कितना, ये भी कितना का 3.4 ही आएगा, ठीक है जब 3.4 तो ऑर्डर उसमें वही टाइम लगेगा। देखो बट ऐसा कि आपके 50 क्वेश्चंस थे, आपको अगर मान लो किसी चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस चाहिए तो आप उसको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, इनको करो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।